हटी कोपा कोर्स क्या है, कैसे किया जाता है, योग्यता क्या है, कोर्स फीस क्या है, कोपा कोर्स में क्या सिखाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आईटी कोपा कोर्स से जुड़े पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप कोपा ट्रेड के बेनिफिट्स, फायदे से जुड़े जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हम आईटी कोपा ट्रेड की ट्रेनिंग लेने के बाद बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे टेक सपोर्ट चैनल को अपना सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करके हमारे टी स्टे के साथ अवश्य जुड़े। तो आइए जानते हैं कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के बाद हम क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेस। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अच्छी नॉलेज है, कंप्यूटर और इंटरनेट अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन अप्लाई करना, अपलोड डाउनलोड सर्विसेज देना आदि। नंबर 2, वेबसाइट डिजाइन। दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग ऐसा बिजनेस है जिसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप और वेबसाइट डिजाइन करने का आइडिया। नंबर 3, कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज। दोस्तों, आप चाहे तो कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के बाद कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज शॉप खोल सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिपेयर सर्विस दे सकते हैं। नंबर 4, फोटो स्टूडियो एंड जेरोक्स शॉप। दोस्तों, चाहे स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए हो, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, या फिर अन्य किसी दूसरे काम के लिए, हमें फोटोज और जेरोक्स की आवश्यकता होती रहती है। ऐसे में अगर आप फोटो स्टूडियो और जेरोक्स सर्विस शॉप खोलना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आप कोपा कोर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 5, डाटा एंट्री सर्विसेज। दोस्तों, सीधे बात में समझे तो डाटा एंट्री मतलब कंप्यूटर पर डाटा टाइप करना होता है। डाटा एंट्री सर्विस में कस्टमर द्वारा दिए गए डाटा को आपको डिजिटल फॉर्म में भरना होता है, जैसे कंप्यूटर पर बायो डाटा बनाना, पेज मेकिंग करना, डाटा को MS Word, Excel या PDF फाइल में लिखना, ऑनलाइन फॉर्म भरना आदि। नंबर 6 पर है ब्लॉगिंग। दोस्तों, अगर आपको किसी फील्ड में अच्छा पकड़ है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप स्पीड से रिलेटेड कंटेंट राइटर बनकर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। नंबर 7, CSC सेंटर खोल सकते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आज के समय में CSC सेंटर पर हर तरह के सरकारी, गैर सरकारी, ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर सेवाएं मौजूद है। ऐसे में अगर आप आईटीआई कोपा की ट्रेनिंग लेने के बाद CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, तो CSC लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, CSC सेंटर खोल सकते हैं। नंबर 8, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर आप कोपा की ट्रेनिंग लेने के बाद अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो अभी आप खोल सकते हैं। आप खुद ही कंप्यूटर टीचर बनकर स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। नंबर 9, ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आप ऑनलाइन खरीद बिक्री करने वाला बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। पर स्पीड में अच्छा पकड़ बनाने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े संपूर्ण नॉलेज होना भी जरूरी है। नंबर 10, सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सोशल मीडिया यूज ना करता हो। बच्चे बड़े हर कोई किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्तों के साथ चिट चैट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, या कुछ नए सीखने के लिए यूट्यूब हो। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप चाहे तो कोपा ट्रेड से आईटीआई करने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे वीडियो फुटेज या आर्टिकल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑडियंस से जुड़ना, प्रोडक्ट प्रमोट करना, नॉलेज शेयर करना आदि शामिल है। दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े वीडियो में बताए गए 10 पॉपुलर बिजनेस में से अगर आपको किसी बिजनेस से जुड़े पूरी जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे टेक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। धन्यवाद।